दिखाई दूंगी। फाइनली वी गॉट इट, इंट्रो। Hey guys, welcome back to my channel again. This is Kanishk Pur, और आप देख रहे हैं एच के बीस्ट। तो गाइज मैं अभी जस्ट ये आपने जस्ट देख लिया हुआ क्लिप में हमने GoPro ऑर्डर कर लिया है फाइनली, और उसकी दो तीन एक्सेसरीज भी ऑर्डर की हैं, और हम बस वेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने लोकली ऑर्डर किया, मैंने कोई अमेजोन वगैरह से नहीं किया, और कल आ जाएगा होपफुली। मैंने आज ऑर्डर किया तो कल आ जाएगा, और बहुत खुशी की बात है फाइनली अब आपको मैं अपने ऊबर राइड्स के साथ लेके जा पाऊँगा। एक्सेसरीज भी मैंने ऑर्डर की अमेजोन से, उसको आते टाइम लग जाएगा शायद, मेरे को पता नहीं है कुछ। तो बस मैं अभी नहा धो के आया था, ये अब शाम हो चुकी है, 5 बज रहे हैं और मैं अभी नहा के आया था। आप सोचो कि कैसा आलसी बंदा है यार, शाम को नहा रहा है यार, ठंड बहुत है, समझा करो, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बस अभी दो तीन काम है, रूम साफ़ करना है, रूम साफ करते हैं पहले, और आपको सारा कुछ बता दें मैंने कितने का लिया। वैसे जब आएगा कल तो तभी बता देंगे, एक्सेसरीज़ की अनबॉक्सिंग थोड़ी देर बाद कर देंगे, GoPro की पहले कर देंगे। तो बस पहले हम जा रहे हैं रूम साफ़ करने, उसका थोड़ा टाइम लग सर देख लो, और बाकी ये आधा पार्ट कल शूट होगा क्योंकि कल GoPro आएगा। तो बस टाइम लग देख लो आप। काफ़ी साफ कर लिया मैंने लकी बॉस, और बंदे बन चुके हैं हम, और उसके बाद हम कुछ खाएंगे, प्री वर्कआउट वगैरह कुछ खाएंगे पिएंगे, और फिर उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के बाद आपको कल का वेट करना पड़ेगा क्योंकि GoPro आएगा कल। तो बस अब हम वर्कआउट करेंगे, कुछ खाते हैं पीते हैं अभी, तो वर्कआउट करेंगे और बस कल का वेट करो, कल GoPro लेके आएंगे अपना, आएगा मतलब घर आएगा, तो देखते लेट ना आ जाए यार। चलो स्टे ट्यून्ड, वर्कआउट करते हैं। तो गाइस दिस इज डे टू, और उठ गए हैं सब कुछ। पार्सल मैं देखने आया हूँ, मेरे को पहले सुबह आई थी आवाज़ एक, जब मैं सो रहा था लाइक इट्स अराउंड 8 बजे होंगे, मेरे को पहले आवाज़ आई थी तो मैं देखने आया था, मैं बाहर आया कोई पार्सल तो स्टिल एम्प्टी नहीं आया यार बंदा अभी तक। एक्साइटमेंट तो है कि भाई चीज़ आएगी, तो वेट कर लेते हैं, देखते हैं ट्रैकिंग में क्या दिखा रहा है, ट्रैकिंग देख लेते हैं एक बार, ट्रैकिंग देख लेंगे तो ट्रैकिंग से पता चल जाएगा भाई कहाँ पे पहुँचा है, कुछ पता चल जाएगा, स्टॉप वगैरह बता देते होते हैं ये। टोल की तरफ से आ रहा है शिपमेंट इन ट्रांजिट टू स्टॉप टू, स्टॉप वन ये है, स्टॉप टू पाकुड़ा, अभी स्टॉप वन पहुँच चुका है, स्टॉप टू पहुँचा नहीं, ये क्या है गोल्ड पोस्ट यहाँ पे, स्टॉप टू कहाँ दिखा रहा है, ओ भाई देखते हैं, वेट कर लेते हैं। मतलब उसने 8 से 5 बजे का टाइम दिया, अगर आ जाए तो आ जाए भाई, नहीं तो मैं फ़ोन कर दूंगा, और क्या अगर गलत इन्होंने डिलीवर कर दिया, ठीक है तो बस हम खाना वगैरह लेने जा रहे हैं थोड़ा सा, फिर अगर आता तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर करने जाएंगे। अब तो भाई खाना वगैरह भी खा चुके हैं, सब कुछ कर लिया, आया नहीं है, 2 बज रहे हैं, 2:30 बज चुके हैं, 2:34 हो चुके हैं ऑलरेडी, और मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाए यार 5 बजे से पहले पहले ही आ जाए, काम पे भी जाना है, ऐसे करके बाहर रख के चला गया, कोई होता नहीं है घर पे तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो स्टिल वेटिंग। तो गाइस बस देखने जा रहे हैं, अभी कोई गाड़ी वाला आया तो था बट पता नहीं, मैं वॉशरूम था शायद, पड़ा है डब्बा अपना ही है भाई, फाइनली इट्स हियर। मैं इसकी एक्सेसरीज का वेट करूँ कि इसको अनबॉक्स कर लूँ पहले, मतलब अभी मैं खोलूँगा नहीं इसको पूरी तरह, अंदर देख लेते हैं काम सही है कि नहीं, गिरने लगा था अभी, तो अभी खोल के देखते हैं इसको अंदर है भी है कि नहीं, और बस फिर चलते ऊपर करने, फिर इसको आगे खोलेंगे चेक करेंगे चलता कि नहीं, खोलें ठीक है, बुढ़ी माई का वही बोलते हैं हम छोटे थे, कटर तो है नहीं अपने पास, बिल बिल भी नहीं है, ये कुछ और ही है, पिकिंग लिस्ट जो भी है, टाड़ा भाई क्या महंगी चीज़ लग रही है बहुत
फील आ रही पूरी, मतलब पूरे व्लॉगर वाली फील आ रही है देख के। चलो खोलेंगे तो आके भाई इसको टांगने के लिए, वो पहली अपनी कमाई की चीज। तो यार बस अभी हम जा रहे हैं ऊबर करने, और इसके कुछ ऐसे फीचर्स लिखे हुए हैं, कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं वो मैं आके पढ़ूंगा, सब कुछ को आके खोलेंगे। अभी हम जा रहे हैं ऊबर करने, क्योंकि गाड़ी करनी बहुत जरूरी है, और हम बस चल रहे हैं ऊबर करने, आके इसको अनबॉक्स करेंगे। रखो इसको अंदर वापस पैक करो, आके खोलते हैं इसको, फिर थोड़ी फुटेज दिखा दूंगा अगर आएगी तो, अगर मेरे को मतलब ऐसे हाथ से चल पड़ा, क्योंकि ये ट्राईपॉड के ऊपर, ये जो जिसके ऊपर फ़ोन लगा है, अगर इसके ऊपर लग जाता थोड़ी देर तो मैं इसके ऊपर जरूर चला कर देखूंगा। तो बस आपको मिलते हैं सीधा घर पे ऊबर करने के बाद। तो गाइस अब हम जा रहे हैं ऊबर करने, और इसको हम रख देते हैं इधर भगवान जी के पास, क्योंकि भगवान जी के पास रख दिया मैंने, क्योंकि मेरी पहली मतलब मैंने अपने कमाए हुए पैसों से लिया फर्स्ट टाइम, तो भगवान का हक बनता पहले। तो भगवान जी ब्लेस अस, हमेशा अपनी नज़र मार के रखना अच्छी तरह, और बस ऐसे मेरे को आगे करते रहना। हम जा रहे हैं ऊबर करने, और हम बने हैं फिर से फुल ब्लैक, ऊबर करने जा रहे हैं, आके इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर आपको बताएंगे इसके अंदर क्या क्या मिला हमें। तो ये आ गए हैं घर, अभी आया हूँ, और जस्ट अब हम पहले पिज्ज़ा खाएंगे और फिर करेंगे अनबॉक्सिंग अपने गोप्रो की, ठीक है? थोड़ी लाइट कम ना हो जाए रूम में, चलो देखते हैं जैसी होगी अनबॉक्सिंग करेंगे, अभी पहले पिज्ज़ा खा लें, भूख बहुत लगी है। तो गाइस हेलो नमस्कार, सबका स्वागत है, मेरा नाम है कनेश, आप देख रहे हैं छे बीस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यस, अब आते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे, और मेरे को पता नहीं है इसको कैसे खोलना है। आई एम नूब। काफी सही चीज लग रही है, और इसका ही कोई ऐप वगैरह भी है। अच्छा ये नीचे सील है, मेड इन चाइना, ये भी चाइना में बना हुआ। चलो देखें क्या है इसके अंदर, ये कैसे आएगा बाहर, कैसे आएगा, कैसे खुलेगा, ये यहाँ से खुलने का कोई चांस नहीं है। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं खुलेगा ये, रुको एक मिनट चेक कर लें। A few moments later. ओके तो गाइस अब आया समझ में, ये बस ऐसे स्लाइड होगा, बस स्लाइड होके मुझे निकल रहा ना पंखा, तो ये है ना। फाइनली भाई ये आ चुका है बाहर, इसको कैसे खोलना है, यहाँ से ऐसे, ये बैक साइड से खुलेगा। तो ये है GoPro Plus Damage Care, कोई ऐप है GoPro की वो है, और माउंटिंग और कुछ बता रहे हैं कि चार्जिंग वगैरह कैसे करनी है। हाँ ये कुछ ही है ऐसा, और ये अपना नई चीज़ है, वो स्टिकर भी हैं, स्टिकर हैं तो काम आएंगे, अच्छे हैं। इसको रखो साइड पे, मैनुअल्स भाई इतनी मोटी मैनुअल पढ़ता कौन है। चले अब आते हैं अंदर क्या क्या सामान है भाई। USB टाइप सी, ओ भाई इतनी सी बैटरी होती है, साइड में रखो इसको, इसको भी। और एक ये है, ये 3M की टेप है, ये कार माउंट होगा, कार माउंटिंग है, और ये 3M की टेप लगी पीछे। तो देख रहे हैं जैसे पैकेजिंग इन्होंने की है, कुछ भी नहीं, बस वही खाली चार्जर केस नहीं है सामने, बैटरी चार्जिंग केस होता जो। तो अब इसको खोल लें, हाँ किया आगे। अच्छा ये मेरे को समझ में आ गया, ये पिन से निकलेगा, खोल लें आ गया। तो ये है भाई इतना सा GoPro, और अब इसको कर लेते हैं ऑन। We'll be right back.
तो गाइस यही थी GoPro की अनबॉक्सिंग, और अब बस इसकी एक्सेसरीज आएंगे तभी मैं शूट कर पाऊँगा, क्योंकि नो SD कार्ड दिखा रहा था, मैंने ट्राई किया था शूट करने का, नहीं हो रहा। तो GoPro आ गया है फाइनली, अब आपको हम अच्छी अच्छी राइड्स कराएंगे, अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स ले पाएंगे, और बस इसकी एक्सेसरीज आ रही हैं, एक्सेसरीज आर ऑन द वे, वो भी मैंने ऑर्डर की हुई हैं, और अब वो देखो कब आती हैं, होपफुली पिज़्ज़ा खाया ना यार आज, काम ख़राब हो रहा है, तो यार होप फॉर द बेस्ट, ये सही चल रहा है GoPro तो अच्छा है, अभी मेरे को थोड़ा समझ तो टाइम लगेगा, तो जैसे मेरे को समझ में आता है इसकी एक्सेसरी आती है, साथ में इसकी क्लिप साथ में आपको दिखा देंगे, मतलब उसकी अगली सारी शूटिंग GoPro से करेंगे। तो अगर ये आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अच्छे अच्छे ताज़ा नए व्लॉग्स लेके आया करूँगा मैं, और आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में बताऊँगा क्या चलती है यहाँ पे। तो बस दैट्स इट, बाय, टेक केयर, सेफ रहें, बच के रहें, टिल देन पीस आउट।